जींद जिले के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। जिले के गांव निडानी के दूसरे कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जो जींद जिले के लिए एक राहत भरी खबर है। इस संबंधी जानकारी देते डॉक्टर जय भगवान चट्टान ने कहा कि अब जींद जिला कोरोना मुक्त हो गया है और कल से जींद नागरिक अस्पताल में जनता के लिए सामान्य सेवाएं OPD शुरू हो जाएंगी, जिसमें आमजन अपने स्वास्थ्य की जाँच करा सकेंगे। हमारे पास जो जिला जींद में निडानी से 2 पॉजिटिव केस कोरोना के मिले थे, तो एक जो पहले था, पहले वाला मरीज करीब 4 दिन पहले ठीक होकर अपने घर चला गया है, जो कि पहले PGI रोहतक में दाखिल था, और जो हमारा दूसरा पेशेंट था जो उसका रिश्तेदार ही था, वो भी PGI में अभी एडमिट है और उसकी जो रिपोर्ट है अभी मैंने पता की है वो नेगेटिव आई है। तो हम ये मान सकते हैं कि जिला जींद में आज के दिन कोई भी कोरोना का केस नहीं है। तो पहले जो है हमारे पास मेडिसिन गायनी चेस्ट व पेडियाट्रिक्स की OPD चालू थी, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन आई थी कि सिर्फ 4 ही OPD चालू रहेंगी, बाकी OPD जो है बंद कर दी गई थी, क्योंकि अस्पताल के अंदर करीब 2,000 से 2,500 के बीच में मरीज डेली आते हैं यहाँ पे, तो उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती थी। और उसके बाद में सरकार ने ये निर्णय लिया था कि जो मेडिकल मोबाइल हेल्थ टीम है वो गांव गांव में भेजी जाएं, तो हमारी जो टीमें हैं वो 14 टीमें जींद के लिए बनाई गई थी और वो गांव गांव में जा कर के सभी लोगों को चेक कर रही हैं, उनकी तकलीफें पहुँच रही हैं और उनको मेडिसिन दे रही हैं। मगर अभी जो कल मंडे से हम एक व्यवस्था की है सरकार के आदेश के अनुसार कि जो ऑर्थो की OPD है हफ्ते में 2 दिन, और सर्जरी की OPD भी 2 दिन, एक दिन साइकेट्री की OPD और एक दिन जो आई की OPD हम पॉलीक्लिनिक सेक्टर 8 में चलाएंगे, क्योंकि लोगों को फैसिलिटी तो मिल रही थी मगर जो स्पेशलिटी की सुविधाएं चाहिए उनको वो नहीं मिल रही थी।